देखिए यहीं से उतरना है। अब बताओ, मतलब आप बीच में फंसे पड़े हो। अभी हम लोग कितना किलोमीटर आए होंगे? कहाँ से? नीचे से। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम निकल गए हैं इन पहाड़ों पे उत्तराखंड के हसीन वादियों में और प्लान बन गया है सीधा गंगोत्री जाने का और गंगोत्री से हम गौमुख भी जाएंगे। रास्ते काफ़ी खूबसूरत हैं, बीच बीच में ये जो शहर आ रहे हैं और ऊपर घने बादल पहाड़ों के ऊपर, इनकी खूबसूरती देखते हुए ही बनता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये होटल्स हैं। जब भी आप चार धाम की यात्रा पर निकलेंगे आपको पूरे रास्ते में ऐसे ही होटल्स मिलते रहेंगे, हर कोई आपको अपनी तरफ बुलाता रहेगा। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जब भी उत्तराखंड के चार धाम के रास्ते पर जाएंगे तो बड़े बड़े झंडे लेकर के लोग ऐसे लहराते रहेंगे आपकी गाड़ी के सामने। इसका मतलब ये होता है कि होटल के रूम्स खाली हैं, आप आइए हमारे होटल में, और वो बच्चे हैं जो आपको बुलाते रहेंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हरसिल, हरसिल जो कि गंगोत्री से करीब 30 किलोमीटर पहले है। और हरसिल के पहले यहाँ पे एक पुल है छोटा सा जिस पे जाम लगा हुआ है। लंबा सफ़र तय करते हुए हम पहुँचे हैं यहाँ। धीरे धीरे रास्ता खुल रहा है और धीरे धीरे एक साइड से गाड़ियाँ आ रही है, वन बाई वन जाएंगे। और यहाँ पे आर्मी डिपूट है क्योंकि चार धाम की जो यात्रा है इसमें भीड़ इतना बढ़ गया है और भीड़ होने के कारण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई जगह हैं, जैसे कि ये कुछ एरिया बॉर्डर के लग जाते हैं चाइना बॉर्डर के, और उसके लिए आर्मी को तैनात किया गया है ताकि चीज़ें संयमित रूप से चलती रहे। ये देखिए आर्मी के जवान, और यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को भी वो सुधारते हैं। आर्मी की जहाँ ज़रूरत होती है आर्मी हर जगह मुस्तैद है। और शाम भी हो चुका है, सुबह ही चले थे हम ऋषिकेश से, और हमारा प्लान ये है कि आज रात को हम गंगोत्री में विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह गंगोत्री से गौमुख के लिए निकलेंगे। पहली बार जा रहा हूँ गंगोत्री, और गौमुख भी सपना था मेरा, चलना है गौमुख, और वो गौमुख का सपना कल पूरा होगा। लेकिन अभी इन रास्तों पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है कि हम अपने आप को जल्दी जाने की जो हमारी तेज़ी है वो नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे सकरे रास्ते हैं, और गौमुख और गंगोत्री दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे अगर आप चार धाम की यात्रा पे हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। एक अलग ही रोमांचक जगह है, और आर्मी के जवान हर थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े हैं क्योंकि रास्ते इतने पतले हैं कि ट्रैफिक जाम हर जगह लग जा रहा है। 3 घंटे से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, और एक तरफ कुछ भी ऊँची पहाड़ जिनको काट करके ये सड़क बनाया गया है, और दूसरी तरफ बड़ी खाई, इसलिए बहुत ही सावधानी से चलने की ज़रूरत है। जो स्थिति है, और इस रास्ते पे ये रास्ता एक्चुअली इतना पतला है कि ट्रैफिक जाम लगना ही है, लेकिन जो सेना के जवान हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि एक तरफ से कुछ गाड़ियों को निकाल रहे हैं फिर दूसरी तरफ के रूट खोल रहे हैं, तो दोनों साइड की जो गाड़ियाँ हैं वो बारी बारी से सुचारू रूप से निकल रही है। शाम होने वाली है, और हमारा जो प्लान है कि शाम को हम इन पहाड़ी रास्तों पर नहीं चलते हैं। हरसिल जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, और हमारा अंधेरा हो चुका है हरसिल में क्योंकि हम ट्रैफिक जाम में लगभग 4 घंटे से फंसे हुए हैं, इसलिए अब हम आगे का सफ़र नहीं करेंगे। हर कोई यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से चलता है, और ये देखिए गाड़ियाँ जाम में लगी हुई है लेकिन एक साइड से बस भी आ रही है। पतला रास्ता है, किसी तरीके से इन रास्तों को पार करना है, और थक चुके हैं। सुबह ही निकले थे करीब 7 बजे ऋषिकेश से, और हम आज हरसिल पहुंच चुके हैं। ये हर तरफ जाम है, तो आज का ये ऐसा जाम है कि इसमें हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी अगर किए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8 बज रहे हैं, तो हम लोग अब रात को यहाँ आराम करेंगे और अगले दिन सुबह हम निकलेंगे गौमुख के लिए। गौमुख की यात्रा काफ़ी रोमांचक होने वाली है क्योंकि मेरे जीवन का ये पहला पहाड़ का यात्रा होगा जिसमें मैं पैदल चलूँगा। तो आइए चलिए आज हम रात्रि विश्राम करते हैं और सुबह मिलते हैं। सुबह हो गई है अगले दिन, और हम निकल चुके हैं गौमुख के लिए। मैं आपको
गौमुख जाने के बारे में सारी जानकारियाँ देना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हरिद्वार या किसी भी अन्य शहर से बस, टैक्सी, कार या बाइक से गौमुख की यात्रा करते हैं तो आप गंगोत्री धाम तक किसी भी तरीके से बस, बाइक, कार, टैक्सी से पहुँच सकते हैं और गंगोत्री धाम से गौमुख आपको पैदल ट्रैक करके जाना पड़ेगा। और हम निकल चुके हैं पैदल ट्रैक पे। ये पैदल का रास्ता है जो कि गंगोत्री से गौमुख की तरफ जा रहा है। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं, मैं लेट हो चुका हूँ क्योंकि हमें सुबह 6 बजे ही निकलना चाहिए था, लेकिन नए हम लोग थे तो इसलिए थोड़े लेट हुए और हम सुबह 8 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यहीं नीचे में गंगोत्री जहाँ पे मंदिर है उसके बिल्कुल पास में ही किसी से भी आप पूछ सकते हैं। वन विभाग का ऑफिस है जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन होता है। थोड़ी देर रुक लेते हैं, छाया ठंड है लेकिन धूप भी बहुत है, तो थोड़ा रेस्ट कर लिया जा सकते हैं। हम क्या करेंगे कि गुफा में गुफा ढूंढेंगे, या फिर महाराज होते हैं ना, यदि सामने भवन नहीं है महाराज को देंगे 500 रुपये का टिकट बनाने दे हमको, जल्दी सही रहेगा। मैं कर लूँगा, थोड़ा चिंता मत करो, मैं कर लूँगा, इस मामले में मैं बहुत माहिर हूँ और एस की ऊपर व्यवस्था बन जाएगी ना। मैं तो पता है सतो पंत में भी कर लेता, चश्मा बदल लूँ, दो चश्मा रखता हूँ, एक धूप के लिए एक पावर के लिए, दोनों चलते रहता है। अभी पावर तो बहुत है, धूप की कमी है। इधर आओ देखो, ये जो बर्फ है जो सामने पूरी बर्फ है, इधर देखो। रजिस्ट्रेशन 150 रुपया लगेगा और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ 150 लोगों को ही परमिशन है प्रतिदिन गौमुख जाने के लिए, तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें। आप चाहे तो एक दिन पहले भी शाम को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप कोई भी प्लास्टिक का आइटम अगर ले जा रहे हैं तो पहले जब जाते वक्त आपकी चेकिंग होगी और जितने आइटम आप प्लास्टिक के ले जाएंगे उतना वापसी में ला करके आपको जमा करना है, फिर आपको चेकिंग होगी। सपोज कि अगर आपने पानी बोतल ले गए हैं या कोई बिस्किट ले गए हैं या कोई चिप्स ले गए हैं तो उसके जितने भी आइटम, वो जो ऊपर वाले जो कवर होता है वो वापस आके रैपर जमा करना है, आपको रास्ते में नहीं फेंकना है। ये बहुत ही अच्छा नियम बनाया गया है ताकि जो पवित्रता है गौमुख की, गंगोत्री की, वो बना रहे, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो अब हम निकल चुके हैं अपने रास्ते पे, अपने मार्ग पे, और ये रास्ते अब गौमुख की तरफ जा रहे हैं। बगल से भागीरथी नदी बह रही है और इसके ऊपर ये पहाड़ी रास्ते, कठिन रास्ते, बहुत ही मुश्किल रास्ते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो आप सुबह चलेंगे तो शाम तक जो भोजवासा की दूरी है उसको आप पूरा कर लेंगे। भोजवासा के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब आप गौमुख से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो बीच में एक पड़ाव आता है चीड़वासा का, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर है। चीड़वासा में सिर्फ एक दुकान है जहाँ पर चाय, मैगी, बिस्किट्स वगैरह मिल सकता है और बीच में कोई भी दुकान नहीं है, उसके आगे भी कोई दुकान नहीं है। यानी कि ये जो 14 किलोमीटर है गंगोत्री से भोजवासा का, उसके बीच में सिर्फ चीड़वासा में एक दुकान है जहाँ आपको थोड़ा सा कुछ मिलेगा खाने को। तो अपने खाने के सारे सामान नीचे से ही अपने बैग में भर लें तभी अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, क्योंकि रास्ते में पानी मिल सकता है और पानी भी, वो भी सिर्फ झरने का। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि आपको लगे कि आप किसी दुकान में बैठ कर कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो सारी व्यवस्था अपने साथ लेकर के चलिए और इन प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए अपनी यात्रा को हमने शुरुआत कर दी है। थक रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, थोड़े थोड़े बैठ भी रहे हैं, लेकिन हम लगातार इन कठिन रास्तों से निकलते चलते हैं। बीच बीच में आपको जानकारी दूं कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम तक की बस की सुविधा उपलब्ध है, लगभग 1000 रुपये का किराया रहता है और हरिद्वार से गंगोत्री धाम जाने वाली बस का टिकट आप एक दिन पहले यहाँ भी बुक करा लें, क्योंकि यात्रा का समय है तो भीड़ रहता है काफ़ी। पानी है क्या? बहुत अच्छा, हाँ हमारे पास है भाई।
फिलहाल ये रास्ते कठिन होने के साथ साथ रोमांचक भी होने लगे हैं और ये नीचे भागीरथी नदी जो कि गौमुख से आ रही है और आगे चल करके ये गंगा नदी बन जाती हैं। आगे तीन नदियों का संगम होता है और वहाँ से इनका नाम बदल जाता है, ये गंगा हो जाती हैं। और ये पीछे जो हम जा रहे हैं ये बिल्कुल ही आनंद की जगह है। पैरों में थकान बढ़ता जा रहा है लेकिन गौमुख जाने की जो मन के अंदर एक उत्साह है, उत्सुकता है, वो अत्यंत ही रोमांच पैदा करते जा रहा है। और आपको कुछ और जानकारी दे दूं कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम जाने के लिए आप सुबह 4 या 5 बजे ही बस पकड़ लें अगर आप बस से जाना चाहते हैं, ताकि आपको गंगोत्री धाम पहुंचने में ज़्यादा देर ना हो जाए। गंगोत्री धाम में खाने पीने रात को ठहरने के लिए GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के साथ कुछ निजी होटल्स धर्मशालाएँ भी उपलब्ध है। 500 रुपये में एक बेड मिल जाएगा आसानी से, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और गंगोत्री धाम जहां बस उतारेगी वहां से सिर्फ 400-500 मीटर की दूरी पे मंदिर है। आप सुबह से चलते चलते थक गए तो भूख लग गई, दोपहर हो चुका है, 1 बज गया है लगभग, तो अब सब खाना खा रहे हैं, मैं भी खा लूँ। हम नीचे से ही खाना लेकर के आए थे क्योंकि यहाँ रास्ते में कुछ खाना वाना मिलता नहीं है, तो नीचे से पैक करा करके लेके आए थे कि कुछ खा लिया जाएगा तब खा लेते हैं। अब बताओ, मतलब आप बीच में फंसे पड़े हो, इधर इधर जाओ तो 7 किलोमीटर दूर और इधर जाओ तो 14 किलोमीटर दूर, जंगल में फंस गए, रोटी ना पाओ। अब कहीं के नहीं रहे ना, बीच का, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं, कोई घर नहीं, कोई रुकना नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, जंगल जंगल दिखा, जंगल है, रात को हो सकता है। कहाँ लेकिन यहाँ सामान रजाई वजाई है नहीं तो टूट जाओगे, तारों टूट देंगे सारे, और गिरफ्तारी तो करके ले जाओ, मिलेंगी तकिया वगैरह सब मिलेंगे, जो कहो तकिया वो गिरफ्तारी तो करके ले जाओ, नीचे तो सब होती है। क्यों मैं इस पे नहीं ले लो ना, खा तो ना रहे तुम, जे तो ना खा रहे जाए, वो हमें कहा छोड़ दो नेका देगा जलेबी हाथी ना में कचू है मुंह मुंह तो वो मिर्च खाई सब रे। एक बार क्या हुआ, मैं मिर्च खा रहा, काली मिर्च नहीं मिलती, मिर्च का भोजन है, मिर्ची भोजन है नहीं देती। देखिए ललित जी थके और बोल रहे हैं कि हमारे साथ बैठ गया, बताओ हम तो आराम से, देखो टोपी भी लगा लिया, चश्मा भी लगा लिया, आराम से चल रहे हैं, पर बता रहे ही बन के थक गए ये लोग। कुछ खाने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं क्योंकि जल्दी जल्दी पहुंचना है, लेट हो जाएगा, अगर अंधेरा हो जाएगा इन रास्तों पे तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि आप सुबह सुबह जल्दी, जितना जल्दी हो सके गंगोत्री से निकलें और भोजवासा जो कि 14 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ आप जल्दी पहुँच जाएँ अंधेरा होने से पहले, क्योंकि इन पहाड़ी रास्तों पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ये बताया गया है कि आगे कुछ नहीं मिलेगा, एक आदमी तक नहीं मिलेगा, न कोई रुकने की व्यवस्था है, न कोई खाने की व्यवस्था है। हाँ, आपको भोजवासा शाम तक पहुँच जाना है। भोजवासा में लाल बाबा का आश्रम है, कुछ और भी GMVM के गेस्ट हाउस हैं, तो वहाँ रुकने की व्यवस्था भी है, वहाँ खाने की व्यवस्था भी है। लेकिन हम तो पहली बार चल रहे हैं इन पहाड़ों पे, हमें चलने की आदत कहाँ, हमने तो जोश जोश में प्लान बना लिया कि हम 14 किलोमीटर इन पहाड़ी रास्तों पे पहले दिन चलेंगे और उसके बाद अगले दिन भोजवासा से 4 किलोमीटर की दूरी है गौमुख की, और गौमुख ही गंगा जी का उद्गम स्थल है, लेकिन गौमुख में गंगा जी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो हम आज 14 किलोमीटर की दूरी करेंगे, तय करेंगे और रात को भोजवासा में रुक के
अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे फिर निकलेंगे गौमुख के लिए, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी है। 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, पहाड़ी रास्ते, कोई रास्ता नहीं है, बस इससे भी खतरनाक रास्ता आगे आने वाला है जिस पे हम चलते रहेंगे। और आपको ज़रूर एक बार सफ़र करना चाहिए गौमुख का। गौमुख अगर आप चले गए तो ये मान के चलिए कि आपने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ पा लिया। तो अपनी सहूलियत से कभी धार्मिक होने तो कभी नहीं होने में अपना एक अलग ही मज़ा है, पर धर्म अगर पहाड़ों की सैर करा दे तो धार्मिक होना ही बेहतर है। यूँ तो पहाड़ों को देखने घूमने फिरने जाना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, इसका किसी धर्म या रिवाज को मानने या ना मानने से रिश्ता नहीं है। बड़े सारे लोग एक शौक के लिए भी जाते हैं, परंतु हम तो धार्मिक भी हैं और हमारा शौक भी है, तो हमारे लिए तो डबल बेनिफिट है, घूम भी रहे हैं और हमारी धार्मिक जो मान्यता है वो भी पूरा हो रहा है। और इतने खूबसूरत पहाड़ और इतने खूबसूरत रास्ते देखने का किसे मन नहीं करेगा, कौन नहीं जाना जाएगा। पहाड़ों में भी बात करें अगर विराट हिमालय की, तो इसकी बात ही अजब है, अजब निराली है। ये शौक एक नशे की तरह है और एक अजीब सी सनसनी देता है, पर इन सबसे ही परे हमारी गौमुख जाने की चाह के पीछे बात कुछ और ही थी। ये तो एक नदी को बनते देखने की इच्छा थी और इस चाह को लेकर कहीं हम निकल पड़े हैं इन रास्तों पे। और जब यहाँ आए तो ऐसा लगा कि हमारा सपना पूरा हो रहा है। अब हमें घोड़ा मिला नहीं, आप आइए आगे आप लोग। अभी हम लोग कितना किलोमीटर आए होंगे? कहाँ से? नीचे से। नीचे से 2 किलोमीटर। और ये कितना किलोमीटर है जहाँ हम आ गए? अभी 2-2.5 किलोमीटर आए हैं। कहाँ से? चिड़वासा। नहीं, नीचे से कितना किलोमीटर आ गए? और चिड़वासा आगे से नदी पार करके। हाँ, 5 किलोमीटर। अच्छा,
200 कितने वाला है? तो हमने भर रखा पहले से क्या? हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग भेज दूंगा ना पूरा वीडियो। सबसे अधिक तो आप ही हैं मेरे ब्लॉग में, और क्या, मैं तो खुद अपना ले नहीं सकता। चलो काफी कठिन रास्तों पे हम आ चुके हैं और ओ माय गॉड, सफर आसान नहीं है, काफी मुश्किलों भरा सफर है। और कहते हैं ना हिमालय की ये ट्रैकिंग है, और गौमुख, गंगोत्री से गौमुख, आराम से आराम से। काफी तेज सर्द हवाएं चल रही है, इसके बावजूद भी वो 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 बोतल भरी है वाल, देखो कैसा पानी है। एक मिनट तो हाथ डाल लेना है, उसे 1000 चलते हैं ऊपर, चलते हैं।
जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, खास नहीं है। और आपको बता दूं कि अगर दिक्कत आए तो इन इन रास्तों में एक पौधा है जिसको तोड़ करके सूंघते रहे, सूंघने से वो ऑक्सीजन का काम करता है और वो काफ़ी ज़्यादा। ये सारे पौधे ये जो दिख रहे हैं ये पूरे रास्ते में आपको मिल जाएगा गंगोत्री से गौमुख तक का, और उसका तोड़ेंगे तो उसका टेस्ट जैसे सुगंध कपूर जैसा है। हमें किसी ने बताया यहीं के लोकल लोगों ने, तो हम उन पौधों को लेकर के सूंघते हुए, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने थोड़ा सोचा कि ये भी ट्राई कर लिया जाए, और ये करते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भोजवासा की तरफ। थकान काफ़ी हो चुका है सभी दोस्तों के चेहरे पे, क्योंकि ये रास्ते ही ऐसे हैं, कहीं ज़्यादा चढ़ाई है कहीं ज़्यादा उतराई है। तो ये सारे हम जितने भी हैं हमने कभी पहाड़ पे ट्रैकिंग नहीं किया, लेकिन मन के अंदर ये जोश था कि हमें गौमुख चलना है और हम निकल पड़े हैं गौमुख के लिए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, चलते हैं तो आप अपने आसानी से आप गौमुख की यात्रा कर सकते हैं, गौमुख या मैं तपोवन की यात्रा कर सकते हैं। और वाले का बता नहीं सकते हैं, और हमने ये डिसाइड किया है कि अगले ट्रिप में हम तपोवन जाएंगे, और अगले ट्रिप के लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना है, हम पड़ता है, हम उन सही जगहों को तलाश करते हुए जहां पे पानी कम है निकलते हैं। धीरे धीरे हिम्मत की तरफ, अपनी हिम्मत बनाते हुए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहीं पर अगर हिम्मत हार जाओ तो आगे पहुंचना अपने आप में रोमांचक है। श्रद्धा, मन में धार्मिक भावनाएं, गर्म कपड़े जरूर आप ले लें क्योंकि ये जून के महीने रात को माइनस में चला जाता है, तो गर्म कपड़े आपको रखना जरूरी है, खाने के लिए चीज़ें रखना जरूरी है, और इन पैदल रास्तों पे तो एक कैमरा भी रखना जरूरी है ताकि आप शूट कर। एक चीज़ और बताऊँ आपको, अगर आप DSLR कैमरा ला रहे हैं तो उसके लिए 500 रुपये फीस से जमा करना पड़ेगा, उससे भी हैवी ला रहे हैं तो उसके लिए अलग फीस है, और अगर आप मोबाइल फ़ोन ला रहे हैं तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, क्योंकि इन रास्तों पर कोई फिल्म वगैरह की शूटिंग करना होता है, शूटिंग करते हैं अगर आप तो उसके लिए लगभग मैंने जो पढ़ा था वो 1,00,000 रुपया एक दिन का चार्ज है, क्योंकि इन रास्तों को ये जो हमारे प्राकृतिक सौंदर्य है वो बचा कर रखना, और यहाँ पे नियम कानून का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये पहाड़, ये हिमालय हमारी धरोहर है, और धरोहर को न तो गंदा करना है न तो उसको बर्बाद करना है, इसलिए प्लास्टिक का कोई भी आइटम है तो उसके ऊपर एक बड़ा पड़ता है, हर चीज़ के ऊपर बड़ा पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य भारत की एक असीम एक धरोहर है। और रास्ते ऐसे हैं कई बार हम बिल्कुल नहीं नीचे की तरफ आ जाते हैं और नीचे बह रही है, और कई बार हमें काफ़ी मुसबत करना पड़ता है, तो ये जो ऊपर और नीचे इसमें पैरों को पैरों को आराम देने की ज़रूरत है, लेकिन आराम अगर हम करेंगे आराम हो जाएगा, हटते हुए भी हमारे और ये जो चट्टान है
हमारे सर के ऊपर कई बार डर लगता है कि वो चट्टान होता है ऊपर की तरफ और जल्दी से चल रहे हैं। कई जगह ऐसे खतरनाक रास्ते हैं, उन रास्तों को देख के ही डर लगता है और कई बार मन में आता है। लेकिन जब भी हम थोड़ा आगे निकलते हैं जब रास्ते थोड़े खतरा होते हैं तो हम आने वाले हैं, हम पहुँचने वाले हैं। रास्ते में एक चीज़ और मैंने देखा कि जो 150 लोगों को दिल्ली आने की परमिशन नहीं मिलती है, मुझे लग रहा है कि सिर्फ 50-60 लोग ही दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई की बस की बात नहीं है। और जो भी खास करके मैंने देखा कि बंगाल में कोई लोग जा रहे हैं वो परमिशन जा रहे हैं। ये रास्ते भगीरथी नदी के साथ आते हैं, गौमुख से लेकर मजबूत है। ये रास्ते बिल्कुल भागीरथी नदी के साथ था, तो अभी तो हम सिर्फ भोजवासा पहुँचेंगे आगरा से। भोजवासा में आज आराम करेंगे, कल सुबह करीब 5 बजे गौमुख के लिए निकलना है। अच्छा लग रहा है, जीवन का एक अलग प्रवाह है और एक अलग ही माहौल है। हम सारे साथी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे गौमुख की तरफ। आपको अपने साथ टॉर्च वगैरह भी लेकर चलना किसी कारण साफ सुथरा आप परेशानी नहीं होता है। आप ना तो मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा, मोबाइल का चार्ज इलेक्ट्रिक मिलेगा। सारी तैयारी आपको अपने साथ में लेकर चलना। ये पहाड़ आपको बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आओ और अपनी आंखों से सब कुछ जो भी जरूरी की चीज़ें हैं, जैसे कि सर दर्द की गोली, सर्दी की
तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे मौसम ही ना समझो पर इश्क को हमारे नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे मगर रहते हो हर पल मंजर तुम हमारे अगर इश्क से शाम हो चुकी है, हम पहुंचने वाले हैं भोजवासा। 1 किलोमीटर का और सफ़र बचा हुआ है और ये जो धूप देख रहे हैं पहाड़ों पे, अचानक ही शाम हो जाती है। अभी तो धूप दिख रहा है, 6 बजने वाले हैं, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग और आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अब 1 किलोमीटर और होगा आगे। हिम्मत जवाब दे रहा है, रुक रुक के जाइए। और ये अच्छी बात है कि हम अभी धूप है और हम भोजवासा 6 बजे शाम तक पहुंचने वाले हैं। ये जो अंतिम में भोजवासा के पहले ये जो पहाड़ है ये अत्यंत ही खतरनाक है, क्योंकि ऊपर आप देखिए ये रेत के टीलों के बीच ये बड़े बड़े पत्थर, और ऐसा डर लग रहा है कि कभी भी ये पत्थर भर भरा के गिर सकते हैं। और देखने में ये लग रहा है कि ये लगातार गिरते रहते हैं, कोई कहीं बीच में अटका हुआ है। और ये रास्ते देखिए कितने पतले रास्ते, इन रास्तों से गुजरते हुए अब हम भोजवासा के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। और भोजवासा में मैं आपको बता दूं कि लाल बाबा का आश्रम है, जो कि 400 रुपये एक रात का चार्ज करते हैं और 24 घंटे में 400 रुपये आपको पे करना है। दोनों समय का खाना भी आपको मिलेगा, सुबह का ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, चाय भी 2-3 बार मिलेगा, और ये सारा कुछ सिर्फ 400 रुपये में। मैंने जब उनसे बात करी तो ये कहा सिर्फ सेवा है, कोई भी यात्री आए अगर पैसा नहीं भी है तो उन्हें वो रुकने का और खाने की व्यवस्था देते हैं, क्योंकि ये रास्ते इतने कठिन हैं और मौसम इतना ठंड है कि आप बाहर रह नहीं सकते हैं। बाहर अगर आप रात भर रहेंगे तो आप अगली सुबह नहीं मिलेंगे। इसलिए लाल बाबा का आश्रम बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जब भी आप गंगोत्री से गौमुख की यात्रा करते हैं तो आपका पहला पड़ाव होता है भोजवासा, और भोजवासा में लाल बाबा का आश्रम याद रखिएगा,
लाल बाबा के आश्रम आप जाइए और वहाँ पर सारी सुविधाएँ आपको मिलेगी। हम अब जो ये सामने जो आपको दिख रहा है, इन पहाड़ों के आसपास ही थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ से अब करीब 500 मीटर की दूरी पे लाल बाबा का आश्रम आने वाला है। हम सब के चेहरे पे ये खुशी है कि हमने पहली बार जीवन में अपनी 14 किलोमीटर की यात्रा तय की, वो भी इन पहाड़ों के कठिन रास्तों पे, क्योंकि कभी चलने का आदत नहीं था और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम गंगोत्री से गौमुख की यात्रा करेंगे। सुना बहुत था गौमुख के बारे में, लेकिन आज हम गौमुख पहुंचने वाले हैं, यानी कि भोजवासा पहुंचने वाले हैं, रात्रि विश्राम भोजवासा में, और अगले दिन सुबह गौमुख के लिए निकलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले वीडियो में मैं आपको गौमुख की यात्रा के बारे में बताऊंगा। और आज हम अब यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं, क्योंकि हम आ चुके हैं अब भोजवासा, भोजवासा में रात्रि विश्राम करेंगे। थक चुके हैं, मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो चुका है, लेकिन हमने पावर बैंक ले रखा है, तो रात को मोबाइल चार्ज करूंगा और उसके बाद फिर आगे की यात्रा के बारे में बताऊंगा। तो आप अगर ऐसे वीडियो देखने के शौकीन हैं, आपको अच्छा लगता है, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे सिर्फ ऐसे ही वीडियो ट्रैवल और वो भी धार्मिक जगहों की मिलती रहेगी। जय माँ गंगा।